नमस्कार, करियर न्यूज में स्वागत है। देखिए, हम इसमें देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी जो विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है, यहाँ से वैकेंसी आई है। इसमें अभी करंट ओपनिंग है टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए वैकेंसी है। बैकलॉग भी है और अभी करंट ओपनिंग भी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर SC ST के लिए भी वैकेंसी है और फिर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इस वीडियो में है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाली देखते हैं। काफ़ी पोस्टें हैं इसमें, लगभग आपको 300 पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी हम वीडियो लेके आएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। देखिए, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, इसमें कहता है कि वैकेंसी बैकलॉग और करंट के लिए अनिरेगुलर वैकेंसी भी है। इसमें देखिए बैकलॉग की 4 पोस्टें हैं और इसमें जो आंध्रा के डोमिसाइल हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो बाकी स्टेट के हैं वो उन लोगों को जनरल में अपना अप्लीकेशन डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 294 वैकेंसी है और 4 वैकेंसी पिछला है, यानी बैकलॉग की वैकेंसी है। और इसमें वेबसाइट यहाँ दिया गया है, आप इस वेबसाइट पे जाके डिटेल भी देख सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 20 नवंबर 2023 तक आप अपनी एप्लीकेशन शाम को 5 बजे तक फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, और 27 नवंबर 2023 तक शाम को 5 बजे तक आपको इसकी हार्ड कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है ताकि 27/11 तक पहुँच जाए। आइए इसका सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर हम सब बैकलॉग देखें तो बैकलॉग में देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस फिजिक्स में एक वैकेंसी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक वैकेंसी हो जाता है, योगा कॉन्शियसनेस एंड नेचुरोपैथी में एक वैकेंसी है, यानी यहाँ पे हर सब्जेक्ट में एक एक वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटली 4 हो जाता है। और देखिए अभी जो करंट ओपनिंग है यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 है। ये जो कोड दिया गया है एक कास्ट वाइज कोड है आंध्रा की, तो ये कोड भी आप देख सकते हैं। अगर आप आंध्रा से बिलोंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। देखिए आर्किटेक्चर में 10 वैकेंसी है टोटल, बायोकेमिस्ट्री में 1 है, बोटनी में 4 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 5 है, केमिस्ट्री में 10 है, सिविल इंजीनियरिंग में 2 है, कॉमर्स में 4 है, फिर कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में 4 है, डिस्टेंस एजुकेशन में 5 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी है, एजुकेशन में 8 वैकेंसी है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी है, इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक में 9 वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 11 वैकेंसी है, फिर उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में 4 वैकेंसी है, फाइन आर्ट में 4 वैकेंसी है, फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स में 4 वैकेंसी है, फूड टेक्नोलॉजी में 9 वैकेंसी है, जियो इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं। और फिर उसके बाद ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाली देख रहे हैं, ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी है और फिर जियोलॉजी में 6 वैकेंसी है, हिंदी में 4 वैकेंसी है, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में 4 वैकेंसी है, ह्यूमैनिटी एंड जेनेटिक्स में 2 वैकेंसी है, ह्यूमैनिटी एंड बेसिक साइंस में 4 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में 13 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसी है, लॉ में 8 है, फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 वैकेंसी है, और फिर देखिए मैनेजमेंट स्टडी में 9 वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसमें देखिए पूरे ऑल इंडिया के लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और जो लोग इंडियन सिटीजन ऑफ ओवरसीज़ हैं यानी वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद मैरिन मैनेजमेंट स्टडी में देखें लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में 3 वैकेंसी है, मैनेजमेंट स्टडी में 9 है, मैरिन इंजीनियरिंग में 7 है, मैरिन लिविंग रिसोर्सेज में 11 है, मैथमेटिक्स में 3 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, फिर उसके बाद मेटलर्जिकल एंड
इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी है, मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी में 5 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी में 4 वैकेंसी है, म्यूजिक एंड डांस में 2 सीट है। फिर आपको आगे देखें तो फार्मास्यूटिकल साइंस में 17 वैकेंसी है, फिलोसफिकल एंड रिलीजियस स्टडी में 4 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 4 है, फिजिक्स एंड यूसिक में देखें तो 8 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 वैकेंसी है। कैटेगरी आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं या गूगल से भी आप देख सकते हैं। फिर साइकोलॉजी एंड पारा साइकोलॉजी में 3 वैकेंसी है, संस्कृत में 3 वैकेंसी है, सोशल स्टडी में 4 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में 7 वैकेंसी है, फिर तेलुगु में देखें तो 4 वैकेंसी है, थिएटर आर्ट में 4 वैकेंसी है, योगा कॉन्शियसनेस एंड नेचुरोपैथी में 2 वैकेंसी है और जूलॉजी में 4 वैकेंसी है। तो अभी करंट ओपनिंग 294 हो गया, 4 बैकलॉग हो गया। और देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डिसेबल या दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, फिर नीचे भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिजर्वेशन को लेकर। यहाँ पे स्केल देख सकते हैं, शुरुआत में आपको 57,700 से शुरू होगा और इसमें और भी चीज़ें जुड़ जाएंगी तो शुरू में आपका लगभग 87,000 के आसपास मिलेगा और ये जा सकता है 1,82,000 तक जो आपका सैलरी बनेगी। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें देखिए 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए और पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, और जिन्होंने पीएचडी करा है 2016 या 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से उनको नेट में छूट मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें यूजीसी या सीएसआईआर नेट होने वाला है या स्लेट या आंध्रा का जो सेट है, यानी इस स्टेट का स्लेट या सेट अगर आपने निकाला है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गुड लक, नोट करके देख लीजिएगा और डिटेल पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।